फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ये यमी मटर कुलचा। वाओ देखिए देखने में ही कितने अमेजिंग लग रहे हैं और एक खाने में भी उतने ही सुपर टेस्टी हैं। वेरी इजी वेरी क्विक रेसिपी, झटपट बन जाएगी और रोज की दाल रोटी चावल से कुछ ब्रेक भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स वेलकम टू नवधास किचन। आज की हमारी रेसिपी है मटर कुलचा, जो बहुत ही क्विक और बहुत ही इंस्टेंट है ब्रेकफास्ट में बनाने के लिए। इट्स अ सुपर हिट वन, सो लेट्स वॉच इट। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये एक कटोरी मटर लिया है मटर भिगोने के लिए। अगर आपका ऑलरेडी प्लान है इसको नेक्स्ट डे बनाने के लिए तो आप इसको ओवरनाइट सोक कीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका टू विसल्स में रेडी हो जाएगा। अगर आपका इमीडिएटली प्लान बनाए तो आप इसको 2 घंटे गर्म पानी में भिगोइए और फिर 4 विसल्स लगाइएगा तो आपका रेडी हो जाएगा मटर, जितना हमें गला चाहिए उतना ही। यहाँ ये मैंने मटर को 2 घंटे भिगोया है और इसमें भिगोते हुए विसल लगाते हुए 1/2 चम्मच नमक। अब इसके अंदर हमने 4 विसल्स लगा ली हैं। अब ये कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है अपने आप, हम इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए हमारी मटर बिल्कुल सही गल चुकी है, जितनी हमें चाहिए, पूरी घुली भी नहीं है और दाने भी रिटेन्ड है। ये देखिए आप इसको एक बारी किसी एक मटर को ऐसे देख सकते हैं। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है बट ये मैंने हाथ में भी देखा है तो ये मसली जा रही है आराम से, बिल्कुल सही गली है जैसी हमें चाहिए। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। ये हमने मटर एक ये बोल में निकाल लिया है अपना सारा। उसके अलावा हमें चाहिए 2 मीडियम कटे टमाटर, थोड़ा सा धनिया। अगर आप इमली का पानी यूज़ करें तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे पास यहाँ घर में धनिया पुदीने की हरी चटनी बनी हुई थी, मैंने फिलहाल ये ले ली है, लेकिन आप अगर इमली का पानी डालेंगे वो भी ऐसा ही बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। ये 2 बड़े नींबुओं का रस, ये हमारा 1.5 टेबलस्पून चना मसाला, ये मार्केट में अवेलेबल होता है, हम जनरली छोले वगैरह में जो चना मसाला यूज़ करते हैं ये वही है। ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और इस हरी मिर्च को मैंने नींबू में भिगो रखा था। आप करीबन 2 घंटे पहले 1 नींबू के रस में थोड़ी सी हरी मिर्च भिगो कर रख लीजिए तो उसका तीखापन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये वो हरी मिर्च है। मेनली इस रेसिपी में हमारे ज़्यादा ड्राई मसाले ही डलते हैं। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें और ये जो हरी चटनी है बनी हुई धनिया पुदीने की, ये डाली। ये हमारा चना मसाला, ये गया हमारा नींबू का रस। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो आप खटास अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी के लिए 2 बड़े नींबू का रस लिया था। टमाटर हम लास्ट में डालेंगे ऊपर से। अब जाती है ये हमारी 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, नमक हमने इसके अंदर उबलते हुए डाला था, 1/4 टेबलस्पून हमारा काला नमक, आधा टेबलस्पून चाट मसाला, देन अगेन 1/4 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। अभी हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कहीं पर किसी चीज को, किसी इंग्रेडिएंट को अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, कुछ और एडिशनल क्वांटिटी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बाहर से नाश्ता आजकल नहीं लाकर खा सकते, कभी जो वंस इन अ वाइल आउटिंग होती थी ईटिंग आउट का रहता था, तो उन सबको ये सफाइस करेगा बहुत अच्छे से। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम एक बार थोड़े से स्पाइसेस इसके चेक कर लेते हैं। बस थोड़ा सा सॉल्ट चीज़ों में आ गई, थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देंगे, दैट्स इट। और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। That is it. This is done. ये अब हमारे tomatoes goes in. Tomatoes goes in. ये हमारा chopped धनिया,
also goes in. Good. So this was our recipe for matra. Next let's move to kulchas. Okay. देखिए ये मैंने ये कुलचाज लिया है. ये कुलचाज बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाते हैं. अब हम इसको बटर लगा के थोड़ा सा तवे के ऊपर सेक लेंगे. ये हमारे सुपर यमी एंड डिलीशियस मटर कुलचाज आर रेडी टू फीस्ट ऑन. मैं आपको क्लोजअप लुक देती हूँ. ये देखिए लग रहे हैं ना कितने अमेजिंग, वेरी टेस्टी. और ये सच में इतने ही टेस्टी हैं. मटरा तो बिल्कुल माउथ वाटरिंग है. कुलचाज जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ब्रेड से या पराठों के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट ओवरऑल दिस मेक्स अ वेरी गुड डिश. हेंस सो आई होप आप सबको ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी. प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए. अच्छी लगे ना लगे मुझे फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब नवथास किचन. थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून.